हे एवरीबॉडी, सो लेट्स डू ऑनलाइन स्टॉक स्पैन लीड कोड का क्वेश्चन। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और काफ़ी सारे इंटरव्यूज में आता रहता है, तो चलो करते हैं। तो इसमें हमें क्या है, हमें पहले तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, लाइक फंक्शंस, ठीक है। तो अगर हमें स्टॉक स्पैनर गिवन है तो हमें एक एरे इनिशियलाइज करना है, और अगर हमें नेक्स्ट फंक्शन गिवन है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट में जो हमें वैल्यू गिवन होगी उसका स्पैन बताना होगा। अब ये हमारा स्पैन क्या है, तो स्पैन है हमारा उस वैल्यू, जो हमारी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू से पहले कितने दिन उतनी ही या उससे कम वैल्यूज रही हैं, वो उस वैल्यू का स्पैन हो गया। तो इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। तो जैसे कि इस ग्राफ की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टाइप से मान लो स्टॉक्स की वैल्यू है, लाइक 11 थी, अगले दिन 7 थी, अगले दिन 5 और 7 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम पूछेंगे कि 11 की हमारी स्टॉक की स्पैन क्या है, तो 11 से पहले, इस दिन से पहले हमारे पास कभी भी इससे कम रेट नहीं था, तो फिर इसकी स्पैन की वैल्यू क्या होगी, 1। देन उसके बाद हम 7 की देखते हैं, तो उससे पहले भी कभी उससे कम रेट नहीं था, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा 5 के लिए भी उससे पहले कभी कोई वैल्यू कम नहीं थी, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1, इसके इक्वल, ठीक है। देन हमने देखा ये वाला 7, इस वाले 7 के लिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ तक इक्वल है, तो इसके लिए ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो इस वाले 7 के लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही करते जाएंगे, लाइक हर पीक पे हमारी वेट की वैल्यू, हमारी स्पैन की वैल्यू चेंज होगी। तो हम कैसे कर रहे हैं, लाइक हमने देखा यहाँ पर, तो हमारे इस टाइम के लिए हमारी वैल्यूज़ कितनी होंगी, ये, ठीक है। तो हमारे इस 5 के लिए वैल्यू हो गई 3, 1, 2 और 3। अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हमने ये वैल्यूज़ ली है, तो इसके लिए हमारी कितनी वैल्यूज़ होंगी, ये यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज हो, ओके। तो ये कितनी वैल्यूज हो गई, तो ये सारी की 14 की 14 वैल्यूज इसमें आ जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हम उसके बाद देखें कि हमारी इस वैल्यू के लिए कितनी वैल्यूज हैं, तो ये इन सबको कवर कर लेगा, इसकी स्पैन की वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी इससे मैक्सिमम वैल्यू आई नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही है। तो हमने देखा कि 11 के लिए 1, देन हमारा 7 आया उसके लिए 1 थी, 5 के लिए 1 थी, देन दोबारा 7 आया तो उसके लिए वैल्यू 3 हो गई, देन उसके बाद हमारी 4 की वैल्यू 1, फिर 3 के लिए भी वैल्यू 1, फिर 5 आया हमारा उसके लिए हमारी वैल्यू फिर से 3 हो गई, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 1 आया, 2 आया, 4 आया, 4 के लिए 3 हो गई। उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद हमारा दोबारा 3 आया, 1, उसके बाद दोबारा जब 5 आया, तो उसने क्या किया, उसने पीछे वाले 4 और 5 की वैल्यू, अपनी वैल्यूज न्यूट्रल ही, पीछे वाले 4 और 5 की वैल्यूज भी ले ली। तो अब इस वाले 5 की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि इसकी वैल्यूज इधर से लेके हमारी इधर तक होंगी, इस 7, ठीक है। उसके बाद हमारा 7 आया और उसने ये सारी वैल्यूज भी उड़ा ली और अगले 7 तक, ठीक है, और खुद की वैल्यूज 12 कर। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैक मेंटेन कर रहे हैं, कि जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारी जब भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लाइक जब भी हमारी कोई पीक आ रही है, तो हम बता रहे हैं कि इससे पीछे इतनी वैल्यूज हमारी थी जो स्पैन था, ठीक है। तो इसलिए हमें हर बार एक लीनियर सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, हमें जस्ट एक नया एलिमेंट चेक करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो हमारा एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, तो हम ये देखने, हम उसे कह देंगे 1 प्लस पीछे वाली एलिमेंट की वैल्यू का स्पैन, और अगर वो छोटा है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी स्पैन, ठीक है। तो इसके लिए हम कोड देख लेते हैं। तो इसके लिए हम कोड ऐसे लिखेंगे, हमने एक क्लास ले ली स्टॉक स्पैनर, तो क्योंकि वो हमें दो फंक्शंस दे रहे हैं, या तो स्टॉक स्पैनर या फिर नेक्स्ट, तो पहले हम उसे इनिशियलाइज कर लेंगे और एक स्टैक ले लेंगे। देन हमने कहा कि हमने एक नेक्स्ट एलिमेंट फंक्शन बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसका अभी वेट 1 है, जब तक हमारे स्टैक में जगह है और उस स्टैक की वैल्यू, प्राइस वैल्यू है जो, वो कम है हमारे गिवन प्राइस से या इक्वल है, तब तक क्या करो, वेट में प्लस करते रहो और उसको पॉप कर दो, मतलब उसके ऊपर की वैल्यू निकालते रहो। जैसे ही ये लूप खत्म होगा, हमारे पास
न्यू वेट और प्राइस आ जाएगा। लाइक जैसे कि यहाँ पे हुआ था, पहले हमारे पास 5 और 8 आया, लेकिन 5 से जैसे ही बड़ी वैल्यू आई 7, उसने 5 और 8 को हटा दिया और हमारी न्यू वैल्यू आ गई 7 और 12। ठीक है, और उसके बाद हमें जिस पे वैल्यू का वेट चाहिए हम वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सेप्टेड कोड। ओके, थैंक यू।